एक बार फिर से स्वागत हमारे चैनल पर। 3 दिन आज हो चुका है सैलाल और पवन सिंह का एक साथ गाना वाला। देखिए भाई, जो दोनों स्टार हैं, टॉप लेवल के स्टार हैं और दोनों का गाना एक ही साथ जब आता है तो दोनों का फैन, दोनों का यूट्यूबर साथ में भौकाल मचाते हैं। लेकिन हम किसी का फैन है नहीं, फैन तो है बट इसमें किसी का पक्ष नहीं, विपक्ष नहीं करेंगे। जानने का प्रयास करते हैं कि भाई असली ट्रेंडिंग स्टार पावर है या पावर स्टार ट्रेंडिंग में, समझ में आए। देखिए स्टार्ट करते हैं। 3 दिन पहले गाना है खेसारी लाल का, खेसारी लाल का बना दी अंबानी है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इस गाने को अभी तक व्यूज गया है सिर्फ और सिर्फ 26 लाख, और बोलते हैं लोग की ट्रेंडिंग स्टार है। और गाने का बोल कुछ इस प्रकार है। अभी गाने में बहुत कुछ बाकी है। इस गाने में इस तरह से खेसारी लाल पता नहीं क्या भांग खाकर ये गाना गाए, भांग पीकर, खाकर, गांजा खाकर, पता नहीं क्या क्या खाकर फिर इसको इस गाने को बनाए हैं। इसमें फगुआ का भी लग गया है। देख तो कुछ इस प्रकार से गाना बनता है। और शंकर भवन के आप कहीं पे सुने हैं कि बोल रहे हैं कि मार्ट डमरुए से कपड़ा फाड़ी, लेकिन ये सब गाने होता है खेसारी लाल के गाने में, ये सब होता है अखिलेश कश्यप के गाने में। तो चलिए हम बात करते हैं। ये तो रहा खेसारी लाल के यादव का गाना, जो कि फनी है और फनी ही गाते हैं, लेकिन कोई मतलब इस गाने को आप सिर्फ मनोरंजन के तौर पर सुन सकते हैं। और जहाँ पे दो चार लोग होंगे पढ़े लिखे, जहाँ जो रखते हैं ना ऊंच विचार वाले, उस टाइप से इस गाने को बजाने का साफ मनाही है, लोग बजाएंगे ही नहीं। वहीं आते हैं हमारे दूसरे पावर स्टार पवन सिंह, जो हमेशा अपने भक्ति लय में हमेशा बेशुमार रहते हैं और टॉप लेवल का सिंगर रहते हैं भक्ति लाइन में। तो देखिए ऑलराउंडर तो वो है, मतलब सब ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा से ऑलराउंडर है, बट भक्ति में उनका कोई जोड़ है नहीं, सामने दूर दूर तक कोई नहीं भटक है। तो इनका एक गाना है 3 दिन पहले, उस गाने का बोल ये है। तो कुछ गाने को इस प्रकार पवन सिंह ने गाया अपने राग विराग में, और इस गाने को जो भी सुन रहे हैं लोग फैन हो रहे हैं। और इस व्यूज की बात करें तो 3 दिन में 56 लाख व्यूज आया है, बताइए 3 दिन में 56 लाख व्यूज। चलिए अब कंपेयर की बात करें तो 3 दिन में खेसारी लाल के गाने का आया 26 लाख व्यूज, और वहीं पावर स्टार पवन सिंह का आया 56 लाख व्यूज। गाने का बात करें तो गाने का क्वालिटी में सिर्फ कॉमेडी दिखाया गया खेसारी लाल यादव के, वहीं जबकि पवन सिंह धार्मिक और जिस तरह से पारंपरिक निभा रहे हैं भाई कहने लायक है। और दूसरी बात, पवन सिंह के गाने में हमेशा आप लोग दिल जान और देखेंगे कि गाने का बोल भी कुछ इस प्रकार के, भाई सावन के बाद आके मिले बाबू सोना, अभी भोले बाबा के भक्ति में हम लोग, जो कि पिछला साल भी कुछ इसी टाइप से गाना आया था। लेकिन पवन सिंह का ये बात रहा, खेसारी लाल की बात कर ले, आज वो अंबानी बनने का सपना देख रहे हैं, भोले बाबा से बोलेंगे पूरा करा दीजिए। और पिछले साल भी वो बोल रहे थे कि बाबा 3 मशीन चाहिए नोट छापे के और पता नहीं क्या क्या, लेकिन वो हमेशा मांगने का ही प्रयास करते हैं। तो भाई कहाँ से ये ट्रेंडिंग स्टार, ना तो गाना ट्रेंडिंग में है, ना ही गाना सुनने लायक है, और ना ही गाना समझ में आ रहा है का है, होली का है, या फिर किस टाइप का है कुछ समझ में। और टेम्पलेट जो है उठा उठा कर लगा दिया गया है इसमें से, त्रिशूल से उर्वस देवी कहाँ का। वहीं पवन सिंह हमारे बात कर लीजिए कितना मस्त है, बाबू सोना को भी साइड में सामने रख करते हैं और मस्त रहे हैं, तब समझिए पवन सिंह यहाँ पे नंबर वन विजेता बनते, चाहे गाने का ट्रेनिंग की बात हो, गाने का म्यूज का बात हो, चाहे गाने को क्वालिटी का बात हो, यहाँ पे पवन सिंह हमेशा विजेता थे और विजेता रहेंगे। लेकिन यहाँ पे खेसारी लाल को कुछ सुधारने की जरूरत है, इतना भी नहीं सुधारना है कि शायद भोलबम का गाला भोलिंग का मतलब मैजिक दे रहे हैं और कुछ समझ नहीं है कि भाई म्यूजिक कहाँ है, गाना कहाँ है, लॉय किसका है, भाई साउंड का गाना है, साउंड के उतर होना चाहिए। फिलहाल आप लोगों को किसका गाना पसंद आ रहा है कमेंट कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक साथ, तब तक गुड बाय।